अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये जी हो रही है मॉर्निंग वॉक और मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और कुछ आप लोगों को बहुत ही प्यारे बहुत खूबसूरत व्यूज़ दिखाऊंगी, तो आप लोग रहिए मेरे साथ। वॉक करना तो वैसे बहुत ही अच्छा है हमारी सेहत के लिए, लेकिन मॉर्निंग वॉक जो है उसकी अहमियत कुछ ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उससे यह है कि आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा फ्रेश गुजरता है, आप अपने आप को मज़ीद हेल्दी फील करते हैं। और जब सुबह का टाइम होता है और उसमें आप जब नेचर में इस तरीके से वॉक करते हैं तो आपके जो उसके बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। अब ये देखें, दरख्त मैं आपको दिखा रही हूँ उस प्याज से जिससे इंसानी आँख बनी हुई है। सुभान अल्लाह, ये कुदरत है उस पाकजात की और कितनी ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत नेचर है। और ये सारी जो कारीगरी है किसकी है? एक ही है, अल्लाह सुबहान तआला की ज़ात की है। और इंसान जो है मज़ीद अल्लाह सुबहान तआला के करीब होता है नेचर को जब ऑब्ज़र्व करता है, वॉक करता है। सिर्फ वॉक ही नहीं होती, मतलब मोस्टली मैंने एक जगह ये भी पढ़ रही थी कि इसके साथ ये है कि मुख्तलिफ लोगों के अपना थिंकिंग है, बट वॉक एक ऐसा टाइम है जब इंसान को कुछ पॉजिटिव आइडियाज़ आते हैं, कुछ इंसान जो है वो अपने अपना एहतसाब भी करता है, अपनी लाइफ के बारे में सोचता है और कुछ जो है पॉजिटिव थाट्स जो हैं वो उसको घेर लेते हैं। और तबीयत जो है बहुत ज़्यादा इसका ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, बल्कि जहनी तौर पे भी इसके बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव जो है इम्पेक्ट होता है हमारी लाइफ के लिए। अगर हम वॉक की बात करें सिंपल, तो ये है कि लाइक वॉक ये नहीं है कि आप बिल्कुल लीनियट होकर चलें, इसका यह एक ब्रिस्क वॉक करें लाइक हाफ एन आवर, तो जो है वो मस्ट है। डेली में हाफ एन आवर जो है अपने आप को देना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, और इसमें भी ब्रिस्क वॉक हो, और क्योंकि इसके हमारे सेहत पे बहुत ज़्यादा इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं। जैसे आजकल की लाइफ है बहुत ज़्यादा जो लाइफ बहुत बिजी हो गई, बहुत फास्ट हो गई और अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और मोस्टली ये है कि अब जो एक वॉक का हैबिट जो है, स्पेशली ऐसे नेचर में वॉक करने की हैबिट जो बहुत कम होता जा रहा है, लोग जो है मोस्टली जिम वगैरह जाना जो उसको प्रेफर करते हैं। तो मेरा जो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मतलब वॉक जो है वो बेस्ट है, ऑलवेज ऑल द टाइम है, और आप इसको जो है वो कर सकते हैं। और इसमें यह है कि आपका जो है वो आप जब नेचर में वॉक करेंगे तो आप साथ साथ आपको जो साइकोलॉजिकल है तो इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पेक्ट होता है साइकोलॉजिकली भी, और बाकी देखा जाए तो जिस्मानी सेहत पे बहुत ज़्यादा इसके अच्छे असरात हैं। और मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं लाइक हार्ट पेशेंट्स के लिए, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ वालों के लिए, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और वैसे भी अगर आप अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं या अपना, मोस्टली ये होता है जी अगर वेट ज़्यादा हो गया तो जी वॉक करें, या अगर कोई बीमारी है तो वॉक करें। भाई नॉर्मल जो बंदा है जो सेहतमंद है उसको भी आई थिंक ये करना चाहिए ताकि उसकी सेहत जो है वो बेहतर रहे, मेंटेन रहे, और खुदा नखास्ता आने वाले वक्त में किसी बीमारी की पकड़ में ना आए। और ये देखिए मैं अभी आप लोगों को जो है ये बहुत ही प्यारे खूबसूरत मैं आपको ये वीट फील्स दिखा रही हूँ, तो भी आप देखिए मेरे साथ रहिए और इन्जॉय करें नेचर को आप लोग भी।
जी जैसे बात हो रही थी सेहत की, तो इसमें इसके साथ ये है कि इनर ब्यूटी भी है, इनर जो है हमारी हेल्थ है वो भी इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और इसके अलावा जो आउटर ब्यूटी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है मॉर्निंग वॉक। लाइक हमारा जो स्किन है वो ग्लो करती है ज़्यादा, जब ब्लड सर्कुलेशन होगा ऑब्वियसली तो स्किन जो है ग्लो करेगी, और जिसके जितने भी हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स हैं लाइक पिम्पल्स, पिंस, एक्नी या कोई भी और इश्यूज़ हैं तो वो कम्प्लीटली जो है डिसअपीयर हो जाते हैं। और एक आपको तबीयत में बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील होगी, आपको जो है एक लाइक विदाउट एनी रीज़न आप यू फील लाइक समथिंग वेरी स्पेशल, मतलब आप एक हैप्पीनेस फील करेंगे, आपको इर्द गिर्द एक अपने खुशी दिखाई देगी, छोटी छोटी चीज़ों को इन्जॉय करें, नेचर को इन्जॉय करें। आप लाइक देखें ये जो है ये जी कॉर्न फील्ड्स हैं और यहाँ पर मुझे नज़र आ गए बटरफ्लाइज, तो इनको देख के मेरे अंदर का जो एक बच्चा है वो बाहर आ गया, और मैंने जो है मैंने इनको ऐसे कहा, मैंने इसको अपने कैमरे की आँख में इसको कैप्चर करती हूँ, और फिर कैप्चर भी किया, और उसके बाद जब ये तितलियाँ उड़ी हैं तो मैं इनको पीछे पीछे फॉलो करने लग पड़ी, लाइक बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ें होती हैं जो इंसान को लाइक हमारा जैसे आजकल का टाइम पीरियड है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ज़िंदगी में, तो हर वक्त की सोचें, हर वक्त का स्ट्रेस जो है इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। बाहर निकलें, बाहर टाइम स्पेंड करें, नेचर में टाइम स्पेंड करें, और मशीनी जो हमारी एक ज़िंदगी बन चुकी है उसमें से थोड़ा सा ब्रेक लें, अपने आप को टाइम दें, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपको जो है पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आएंगी। और इसका ये भी बेनिफिट है जब आप ऐसे फ्रेश होंगे, खुश होंगे, आपकी तबीयत जो है खुश होगी, मूड आपका खुशगवार होगा, तो आपके जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जो आपसे जुड़े लोग हैं, ऑब्वियसली उन पर भी अच्छा इसका इम्पेक्ट जाएगा जब आप अच्छे होंगे। तो ये देखें, और बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी बटरफ्लाइज, और देखिए मैं इसको पीछे पीछे इसको मैं फॉलो कर रही हूँ लाइक जैसे बच्चों की तरह है, बट आई रियली इन्जॉय दैट मोमेंट्स, आई फील रियली गुड। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सब्ज़ा हर तरफ है, तो ये सब्ज़ा जो है इससे ये देखने से आँखों को बहुत ज़्यादा ताज़गी और ठंडक मिलती है, और जो दिमागी थकान है वो दूर होती है, और जो मॉर्निंग वॉक है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये बहुत ही अच्छी हैबिट है। देखा जाए देर से जो उठने वाले लोग हैं उन अपनी सेहत भी बहुत ख़राब कर लेते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का भी शिकार रहते हैं, तो ये जो है लाजमी हमें अपनी ज़िंदगी में मॉर्निंग वॉक को जो है इसका एक हिस्सा बनाना चाहिए। और इससे जहाँ मैंने बहुत ही आपको बताया इसके बेनिफिट्स हैं, वहाँ ये भी है कि आपको जो नींद का अगर मसला है किसी को लाइक, तो वो नींद का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है, बॉडी और माइंड रिलैक्स हो तो नींद भी बहुत अच्छे से आती है, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। और अगर हम देखा जाए तो ये एक किस्म के रिफ्रेशमेंट भी है, और इसके साथ साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी है, और इससे जैसे मैंने बताया था इंसान सारा दिन बहुत एक्टिव रहता है, और मेडिकली भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। तो सारा मैंने आप लोगों को आज बताया, और जो मैं ख़ुद एक पर्सनल मेरे एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपसे डिस्कस किए कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। और ये है कि जब सुबह सुबह फ्रेश हवा मिलती है, और इससे जो हमारे फेफड़े वगैरह वो काफ़ी, उनको जब फ्रेश हवा मिली और ऑक्सीजन मिली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि मॉर्निंग वॉक जो है वो हमारी सेहत की ज़मानत है, तो ये बिल्कुल सही होगा, बेचाना होगा ऐसा कहना भी। और यहाँ पे मैं एक कोट भी ऐड करूँगी कि एन अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द होल डे, सो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और बिल्कुल ज़बरदस्त ये कोट है। और आप लोग जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं वो इस चीज़ को ज़रूर इसको जो है वो ऑब्ज़र्व भी करते होंगे, और बाकी जब आप नेचर में वॉक करते हो तो उसमें ये है कि इन एवरी वॉक विद नेचर वन रिसीव फॉर मोर देन ही सीक्स, सो जो हम चाह रहे होते हैं उससे ज़्यादा हम उसमें जो है फाइंड आउट करते हैं। और बेसिकली मॉर्निंग वॉक अटैच है मेडिटेशन के साथ भी, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था मेडिटेशन होती है, बहुत से पॉजिटिव थाट्स आते हैं। और यहाँ भी ये है कि वॉक तो आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर साथ आपके आपका लाइफ पार्टनर हो या कोई दोस्त हो
या आपके कोई बहुत ही क्लोज़ रिलेशन हो, तो इस तरह से ये है कि एक तो आप वॉक करते हैं, दूसरे ये के साथ टाइम अच्छा स्पेंड होता है और एक दूसरे के साथ जो है वो आप अपने ख्याल जो हैं एक दूसरे से शेयर करते हैं। सो ये बहुत ही पॉजिटिव है इसके जो है इफ़ेक्ट्स हैं। और मुझे तो मैंने जितना आप लोगों से शेयर किया तो मुझे बताइए कि अगर आप मज़ीद कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो आपका अपना एक्सपीरियंस है तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप भी मॉर्निंग वॉक करते हैं और अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग कैसे इसको पाते हैं और आप लोगों की क्या एक्सपीरियंसेस है। मुझे ज़रूर आपके कमेंट्स का इंतज़ार है, क्या बताइएगा ज़रूर मुझे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ब्लॉग्स हैं ब्लॉग्स पर नहीं हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो उसको नोटिफिकेशन मिले। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। चलिए ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज का जो मेरा व्लॉग है कैसा लगा और बाकी आप मज़ीद जो है किस किस्म के व्लॉग जो है वो देखना चाहेंगे या तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और आपके जो सजेशंस वगैरह है उनका भी मुझे इंतज़ार रहेगा, अगर आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तब आपसे मुलाकात होगी नई व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।